एलविश यादव की तरह ढूंढो कहाँ है कहाँ है। इतना प्यारा हो रखा है, चारों तरफ बादल ही बादल, और ये ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है हजारी में, तो इसलिए यहाँ पे रहने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ये शादी के बाद के हाल क्या कीजिएगा इतने सारे दिमाग का मिसयूज। ये जो सारे येलो कलर के गुलाब दिख रहे हैं और ये एक लौता जो व्हाइट कलर का गुलाब दिख रहा है, ये एक्चुअली धूप में रह के इसके रंग उड़ चुके हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। मैं हूँ दीपक कुमार, आप देख रहे हैं दीपक कुमार व्लॉग्स। अभी धूप बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। तो मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आजकल झांसी का मौसम थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा बदलाव बदला सा है। कभी बारिश हो जा रही है, कभी धूप निकल आ रही है, इस वजह से तो पता नहीं क्या पूरा माहौल ख़राब हो रखा है। अगर आप कुछ टाइम से ध्यान दे रहे होंगे तो झांसी और ओरछा में आजकल शूटिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी रिसेंटली भूल भुलैया 3 की शूटिंग चल रही थी, जिसमें कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी भी आई हुई थी, आई होप मैंने नाम सही लिया होगा। और उससे पहले कुछ टाइम पहले ही एक और मूवी शूट हुई थी पूरे झांसी में, अपने 1.5 बीघा जमीन नाम से मूवी का नाम है। और उससे पहले भी कई मूवीज़ हो चुकी हैं, जैसे बद्रीनाथ की दुल्हनिया यहाँ पर शूट हुए, कुछ सॉन्ग शूट हुए हैं उसके, और ऐश्वर्या राय भी आ चुके हैं, कैटरीना कैफ आ चुके हैं, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पे राउंड लगा चुके हैं। तो अपना झांसी और ओरछा धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ रहा है शूटिंग के मामले में भी। आजकल यूट्यूब थोड़ा अपना डाउनफॉल पे चल रहा है, थोड़ा क्या अभी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पे चल रहा है। अभी रिसेंटली मेरे यूट्यूब की इनकम हुई है $5, और अब पता नहीं इसको $10 में जाने में कितना टाइम लगेगा, और $100 तो अभी बहुत दूर की बात है, बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और लाइक भी ज़रूर करना, पूरी वोडी वीडियो देखा करो, तब जाके तो मेरा थोड़ा आगे बढ़ेगा प्रोसीजर। तो आज का दिन शुरू करते हैं, चलते हैं बाहर। और ये शादी के बाद के हाल, शादी के बाद की दशा। स्टूडियो पहुँचते पहुँचते मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो गया था, जिसकी वजह से मैं ये टैटू मिस कर दिया, और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और इस टैटू को बना रहा है प्रिंस, जो कि है इंग्लैंड टैटू से। तो आप लोगों को अगर टैटू बनवाना हो तो आप इंग्लैंड टैटू में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्रिंस को। और अगर आप लोग को याद हो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ये विंग्स वाला टैटू, अब इसको एक और नया टैटू बनवाना है। तो पहले तो मैं नाम बताता हूँ, इनका नाम है शिवम, जिनका एक दुकान है चाय पंचम के नाम से। तो उनको अपने जो शॉप है उसका जो ओपनिंग डेट है उसको लिखवाना है रोमन नंबर से, तो वो लिखेगी सोना। और अगर आप लोग को सोना से अनुष्का से टैटू बनवाना है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अनुष्का के, टैटू बाय अनुष्का के नाम से आईडी है, बाकी आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। और ये टैटू कुछ इस तरीके से दिखेगा, और मैं कहूँगा कि जो आप विंग्स देख रहे हैं अभी वो हील हो रहा है प्रॉपरली, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो क्योंकि उसकी स्किन निकल रही है। बाकी जिस जिसको रोमन नंबर्स पढ़ना आता है वो बताओ मुझे कि क्या लिखा हुआ है, कौन सी डेट है ये, कौन से दिन को ओपन हुआ था ये। इस टैटू को कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आउटलाइन और फिलिंग है, इसमें शेडिंग्स नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि शेडिंग में टाइम थोड़ा लगता है ज़्यादा, और फिलिंग में भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगता है 1-1.5 घंटा। तो आउटलाइन तो जल्दी हो चुकी है, बाकी अब फिलिंग बची है, वो देखते हैं कितनी देर में होती है, मिलते हैं टैटू कंप्लीट होने तक। फाइनली ये टैटू भी कंप्लीट हो चुका है, और जो मैंने टाइम बताया था उतना ही टाइम लगा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 घंटा। और ये है इसका फाइनल रिजल्ट, और ये नंबर देख के आप मुझे बताओ कि इस वक्त बज रहे हैं 2:30, और तुम लोग देखो ये जो मौसम है इस वक्त झांसी में कितना प्यारा हो रखा है, चारों तरफ बादल ही बादल, और ये ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है हजारी में, तो इसलिए यहाँ पे रहने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी तुम लोग बताना कि तुम लोग के शहर में कैसा मौसम है, अगर तुम लोग झांसी के बाहर से वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर शेयर करना कि वहाँ पे कैसा मौसम है। बाकी इस मौसम में राइड करने में मज़ा तो आ रहा है, बाकी देखता हूँ अभी और ज़्यादा लंबा जाऊँगा शायद, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। पीस लीली लगाने जा रही है वो भी खुरपा चम्मच से, खुरपा नहीं मिला इसे, चम्मच मिल गई है तो चम्मच से खुदाई करेगी। मैं क्या करूं, फावड़ा लेके आए हम, चाहिए लेके आए फावड़ा चम्मच से, ये पूरा तो वो खुदेगा, गमला थोड़ी ना खुदेगा फावड़ा से, तो इसको कैसे निकालूं, इसको खुरपा ढूंढो कहां है, कहां है एलवेश यादव की तरह ढूंढो कहां है कहां है।
पहले से ज्यादा खुरपन फूट रहा था। नहीं, उसके ऊपर आजकल वीडियो बन रहे हैं, ध्रुव राठी बना रहा है, खतरनाक। मैं तो जा रही मिट्टी खोदने। बड़ी अम्मी, आप उसको निकालने का इंतजाम। कभी खोदी नहीं है, पर मैंने देखा है। हैं? तू खोदेगी? ज्यादा गहरा तो खोदना नहीं है, इधर पे लगेगी लिली और उधर पे लगेगा एरोहेड। उधर पे आती है। लगा ले एरोहेड। इधर पे तो है ना कुछ? क्या है कुछ? एरोहेड फैलेगा। तो वही तो कह रहे हैं, उसको इस साइड लगा लेते हैं। हाँ। या तो उधर लगा लेंगे। इन दोनों ही को धूप नहीं चाहिए। उस साइड एक बार लगाया था अपन ने, तो उस पे वो खिलती थी, हमिंग बर्ड, बारिश में फिसल पट्टी, बड़ा वाला एलिफेंट। इसको खोदो ना, मैं इसको निकालने की कोशिश करती हूँ। तू निकाल चम्मच से। यस। इसमें फूल आता है? इसमें फूल नहीं आएगा। ये है पीस लिली। पीस लिली लगाया था, इसको किसी ने दिया था पीस लिली, ताकि ये शांत रहे, मुंह बंद करके रहे। क्या इसमें नहीं आता? इसमें आता है, लेकिन वो भी खूबसूरत है। देखो, यीशु ने बताया था पीस लिली इसलिए दिया था ताकि शांति बनी रहे, इसीलिए इसको दिया था ताकि ये शांत रहे। मुझे लगता मैं शांत नहीं थी तो ये मुरझा गया। उल्टा असर हो गया था। वो उल्टा ही मुरझा गया। और आ जा तू मेरे को परेशान करने। कहता है मैं तो बुआ को आराम करने नहीं दूंगा। देख, तो यही बोलते बोलते आ रहा था, आराम तो करने ही नहीं दूंगा। अजीब अजीब स्टूडेंट है मेरे। आ रहा कह रहा मैं आराम नहीं करने दूंगा। हाँ तू आ जा, तू भी वीडियो में आएगा। तू मेरे को परेशान करने आया था ना टाइम से पहले। तू क्या कह रहा था? मैं तेरे को आराम नहीं करने दूंगा। ले, मैं आराम कर रही हूँ। आराम कर, करो आराम। निकालो चम्मच से पेड़। बहुत ध्यान से देखो इस लड़की को, ये चम्मच से पेड़ निकाल दिए। बहुत भयंकर मिट्टी चिपक गई है। क्या करूं मैं, इसको लाट दूं? उसमें डाल जितने मिट्टी खोदी है, उसको हटा, साफ कर, बाहर निकाल। हाँ, प्लांटिंग करनी नहीं आती मुझे। आपने मुझे बता दिया। आ जाओ तुम बाहर। अरे, मैं दोबारा वही मिट्टी डाल रही हूँ, क्या पता मिट्टी में गड़बड़ हो। मिट्टी उसमें क्यों डाल रहे? अभी तो मिट्टी निकाली है वहां से, वहां पे पेड़ लगाना है। अरे यार, गड्ढा भरने लगी वापस। काफी तेज दिमाग है तुम्हारा, क्या कीजिएगा इतने सारे दिमाग का। मिस यूज तो हो ही रहा है। ठीक है अब। इतना मिस यूज। अरे भगवान जी, थोड़ी हवा चला दो। बारिश चला देंगे अभी, बाद में चला देंगे। बारिश चला देंगे। वैसे ही सावन चल रहा है, सबका नॉनवेज बन रहा है। मस्त जड़ पकड़ी हुई है, बस खाली इसको बड़े होने में जाने क्या दिक्कत है। इतने से गमले में कितना बड़ा हो जाएगा वो? अरे मतलब पत्तियां तो निकलती कम से कम। पत्तियां कैसे निकल आएंगी जब वो नीचे से ही नहीं बढ़ रहा? अब तो तुम बढ़ जाना। उसको जगह ही नहीं मिल रही, अब चम्मच से खोदना पागल। इसकी जड़ को कुछ होगा तो नहीं? मैं इसके साथ कुछ बुरा तो नहीं कर रही? हाँ, और मिट्टी निकाल दो तुरंत, उल्टा करके निकाल, उल्टा करके, तब तू निकालती रह जाएगी हाथ से। हाँ। दिमाग है तुम्हारे अंदर का कम है भी कि नहीं? पता नहीं, यीशु के में तो नहीं है वो, तुमने तो बता दिया था। अरे यार, एक मिनट में पसर के बैठ जाऊं, थक गई मैं। क्या होगा तेरा? केतकी का नहीं चढ़ता। हाँ। बड़ी अम्मी, इसका फूल चढ़ाना नहीं है, बड़ी मुश्किल से खिलता है। तो खिलाई कहाँ अभी तक? बेचारा। क्या बोला? चढ़ाया तो ये वाला जाता है ना। क्या कह रहा? क्या छत पर?
चल छत पे बारिश आ जाएगी, तेरी कॉपी की ऐसी तैसी हो जाएगी। छत पे पढ़ना है इसको भैया, इसकी तो प्रोग्रेस पहुंची तुम्हारी। बहुत बड़ी जड़ है, मुझे तो पता ही नहीं था। गमला बहुत छोटा है लेकिन इसीलिए नहीं बढ़ रहा था ये। हाँ इसीलिए सूख रहा है वो। इसको जगह नहीं मिल रही थी, सही है, मैंने इसको वक्त पे जिसने दिया था उसने बोल दिया था इसको निकाल दो। उसी ने बोल दिया बता। मैं अपने मन से कोई काम कैसे कर लेती फिर अगर बुरा हो जाता उसके साथ तो। इसलिए उसने तो वैसे भी हो रहा था उसके साथ। क्या अरे मतलब और बुरा हो जाता करके। मैंने उसकी खबर उस तक पहुंचा दी थी फिर उसने कहा उसको निकाल लो, लेकिन बहुत ज्यादा जड़ फैल रही है इसकी, इतना तो ये पेड़ ही नहीं फैल रहा जितनी जड़ फैल गई। काफी तेज देखना जरा कितनी भयंकर फैली है, दिखाओ। उसको और जगह नहीं मिली। बता उसने गमला सहित तुमको पेड़ दिया था। सर पे मार लो, शांत हो जाए एकदम। पीस लिली। जीवन में बस इतना ही पीस चाहिए। बाप रे, इसके साथ तो मैं छेड़खानी भी नहीं कर सकती, पता नहीं कहाँ उखड़ जाएगा और टूट जाएगा। वही तो, अगर उसको आया डायरेक्टली निकाला तो। बड़ी मम्मी थोड़ा बड़ा चम्मच दे दो। निकल ही गया ऑलमोस्ट। प्लांटिंग करना भी बड़ा मुश्किल है लेकिन अच्छा हाँ। है ना, मुश्किल काम मजा है। मजा आता, लेकिन मजा तो आता है क्योंकि जब वो खिलता है तो। ये मैंने लगाया, मजा आता है। अब बस ये शांति से निकल जाए, निकल के और ग्रो भी करने लगे। बहुत देर हो गई इसको, ये एक महीने से बिल्कुल हिला नहीं है। साइड साइड से हाँ सही है, वैसे करे एक और बार जहाँ, अरे उस साइड कर जहाँ से जमा हुआ है। हाँ यहाँ ढीला कर दो साइड साइड से, वो निकल आएगा अपने आप। आ गए बाहर, आ गए तुम। चलो ये है। क्या है? वो फूल वाला है ना, ये भी फैलेगा। एरोहेड ठीक है, अच्छा है ना, बड़ा लगेगा, बढ़िया। ये देखो इसकी जड़ें, तुम इतने बड़े थे। मिट्टी मत निकाल उसकी जड़ से, डायरेक्ट वहां। सॉरी, अब क्या फायदा, पता निकल गई। अरे यार जे बात, मारो कम ऑन। खाद वाली है ना, नहीं खाद ही खाद, नहीं बहुत खाद। अब तुम अच्छे से बड़ी हो जाओ, फूल लगाओ, हंसते खाते हम लोग को पीस दो। पीस ली, पीस दो। कुछ और नहीं बोलना आया था देखो। मेरा मतलब वो वाला शांति वाला, पीस दबा दे इसको ऐसे ऐसे साइड। दोनों तरफ से दबा, दोनों हाथ से। ठीक है, एक हाथ काफी, एक ही हाथ गंदा करेंगे। अब नंबर दूसरे पेड़ का, एरोहेड। वो तो मुझे लग रहा है मैं उसको उखाड़ूं कैसे। किसको? वो तो ऑलरेडी गमले ही पकड़ के बैठा है। ये कुछ ज्यादा नीचे तो नहीं लग गया? नहीं नहीं सही है। पानी डालती है इसमें? कौन डालता है? मैं है। अरे मतलब सूखने के बाद ही डालना है ना। इसको लगाना कहाँ है लेकिन? ये इतनी लाल और ये इतनी ऐसी क्यों दिख रही है? वो लाल मिट्टी में लगाता किसी ने, वो गमले में लाल मिट्टी भर के दी थी अपने, खाद है पूरी। इसमें मिक्स कर दी। ये कौन सी मिट्टी है? इसमें भी खाद मिक्स है, तभी ये ग्रो कर रहा है। साइड साइड से खोद दे बस, बाकी लग जाएगा। हमने सुना है तुम बीमार हो गई थी चाची के जाने से पहले। हाँ क्या हो गया था? पता नहीं, मैं कमजोर हो गई थी, फिर अगले दिन अचानक से बारिश हुई और मुझे ताकत आ गई। अच्छा,
छम छम छम। मैंने भीग लिया था बारिश में राजगढ़ में। फिर उसके बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई। सब लोग कह रहे थे दवाई ले लो, मुझे पता है कुछ नहीं होगा, वो चार दिन में वैसे ही ठीक होती है। वो एक ही दिन में हो गई बिना दवाई दिए। बारिश में भीग गए, तुमको पानी ही कमी थी मतलब। मैं वही देख रही थी ये हुआ क्या है, सब कह रहे थे बीमार पड़ जाएगी मत भी। मैंने कहा वो अच्छी लग रही है। तो एक्टिवा लेके पहुंच गया था ओरछा। हाँ मैंने आपको देखा था। आपने भी मुझे देखा था। राजगढ़ में भीग नहीं, राजगढ़ से ही तो गए थे हम लोग शॉर्टकट लेके। अब तो तू निकल गया निकल। पीछे उस घुमाना यार उल्टा इसके, तो ये तो गमला ही फाड़ देता अभी कुछ दिन में। ओ ये गमला भी अच्छा है, नीचे से पूरा। अब क्या करूं? वो देखो ये मुझे परेशान करने आया था, मैंने इसको कर दिया। वो चलता रहता वो भी। फिर भाग गया। अन्ना तू ब्लॉग में दिखाई देगा? वो तो देखता ही है। तो अपना ब्लॉग देखता है? इसकी जड़ें गमले के आर पार हो गई हैं क्या? आर पार हुई तो नहीं है, लेकिन उस कोशिश कर रहा था आर पार होने की। काफी बड़ा पेड़ हुआ ये, लेकिन लगाना कहाँ है? जगह तो है बहुत, लेकिन लगाए कहाँ? ऐसी जगह जहाँ पर ये मस्त बड़ा हो सके। कड़ी पत्ते के पास है, वहीं पर तो लगा था पिछली बार एक, लेकिन वहाँ तो धूप आएगी ना। हाँ तो ये धूप में ही लगता है, है? तो और ये तो इंडोर वाला है ना। इंडोर है ये? हाँ तभी तो इसको मैं अंदर रखी थी, यही तो लगाना पड़ेगा। सनलाइट पड़ेगी वहाँ पे भी, वहीं वहीं लग पाएगा फिर अमरूद की जगह। फिर ये उखड़ेगा नहीं अगर बड़ा हो गया तो? बिल्कुल नहीं उखड़ेगा, इसी में से नहीं उखड़ रहा। गमला चीर के आएगा क्या? जाने क्या ही कर रहे। क्या दिमाग का तुम मिसयूज ही कर पाओगी? क्या करूं मैं? यूज नहीं कर पाओ। मैंने इसको पलटने की भी कोशिश की। सब निकल गई उसकी मिट्टी, बचा ही क्या है उसमें। इतनी देर से मेरे से मेहनत क्यों करवा रहे? देख रहा था, चेक कर रहा था कि कितना दिमाग है तुम्हारे पास। तो पता चला कि तुमको बस मिसयूज ही करना आता है, यूज करना नहीं आता है। ओह माय गॉड, कहाँ लगाना है जल्दी डिसाइड करो। ये तो पहले करना चाहिए था। जगह ही जगह, जगह जगह। कहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं? सर पे लगा दे अपने। कहाँ लगाएं? इसको वहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन वहां तो सूरज आएगा। चलो देखते हैं, बड़ा जाएगा वैसे, बड़ा ही होगा ये। बड़ा तो होगा पर कहाँ, यहाँ पे भी आती है, हर जगह आती धूप अपने। अरे यार चलो उधर ही लगाते हैं, इंडोर को आउटडोर में लगानी बड़ी लगा के देखते हैं। सूख जाएगा, सूख जाएगा। ओए भैया सूख जाएगा तो लगा के तो देखें उसको, नहीं सूखेगा इतनी जल्दी। इतनी जल्दी क्या मतलब है? दिन लगेंगे उसको चार पांच। मैं इसके पीछे लगा रही, ये इसकी वजह से बचा रहेगा। हाँ तो उसी के पीछे लगाना है। एक चम्मच उठा लेना शांति से, बहुत काम आया वो मेरे। इधर लगाना है? इधर इधर? या इधर? इधर तो सीधे आएगा, इधर आएगा, इधर से इधर। अमरूद का पेड़ है उधर, कहाँ से आएगा? ऊपर से। तेज दिमाग नहीं है, यहाँ लगा दे रहे।
इसके ऊपर ठीक है, अगर इस पे असर पड़ेगा तो फिर उखाड़ देंगे, फिर दूसरी जगह लगाएंगे। लेकिन ये बिल्ली के लिए जहरीला होता है मैंने सुना है। लेकिन बिल्ली तो खाती नहीं है इसको, ये क्यों लाल है क्या? इसमें भी लाल मिट्टी है। हाँ, इसमें लाल मिट्टी मिक्स है इसमें। अरे अरे, धक्का मुक्की नहीं कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। बारिश स्टार्ट हो गई। अरे इसको तो ज्यादा पानी मिल जाएगा, इसको पानी भी कम ही चाहिए। अच्छा ना, धूप में सूख जाएगा। अरे यार भैया, बारिश भी होगी और मैंने इसको बाहर लगा दिया, अब इसको पानी पानी मिलेगा। ये मैंने क्या किया? नहीं, मैं इसके ऊपर छाता लगा दूंगी जब बारिश होगी। इंडोर प्लांट को तुमने आउटडोर प्लांट बना दिया। भैया मैं इस पे छाता लगा दूंगी जब बारिश होगी। बारिश पर मैं हमेशा घर पे नहीं रहूंगी, लेकिन मैं सबको बता दे रही, बारिश हो तो इस पे छाता लगा देना। अभी हो रही बारिश, लगा ले छाता। छाता लगा रही मेरे को। भूख लगने लगी अब तो। इसकी खाद भी है। खाना खाने की बात कर रहा हूँ। खाद खाएगी तू ही, खा खाद। अरे यहाँ पे इतने सारे कीड़े कहाँ से आ गए? उन्हें का इतना बड़ा जानवर आ गया, आप क्या करें, भागो भागो। देखो जीरा, जीरा। ओ अरे ये ब्लैक भी है देखो। ए, मैं कहाँ कहाँ हाथ लगा रही हूँ। अरे यार मिट्टी में भी कुछ काम करना बड़ा खतरनाक है। चलो हो गया, उठा लो दोनों गमले और चम्मच। अब गमलों के लिए कुछ नया लाएंगे। गुलाब का फूल बढ़िया लग रहा है लेकिन। हाँ येलो येलो। वो अपराजिता भी अच्छी लगती है, लेकिन बड़ी मम्मी रोज महादेव को चढ़ा देती है। वो उसने एक साथ खेल नहीं रहे अभी, सही खेल रहे हैं, सही। वो एक ही एक खेलता है, एक ही एक चढ़ा देती सही में। इसका क्या करूं? साइड जाओ तुम। मिक्स हो जाएगा बारिश में, देखना कीड़ा। वो देखो किधर है, वो चीटा है। अरे चीटा को कीड़ा बोल दिया, वो भी रोल में चलने लगता। अमरूद इतने गिर रहे हैं अपने यहाँ, एक आध लग ना जाए। इसमें तो मस्त छेद था, तभी तो कह रहा है वो गमला अच्छा है। चलो मेरा काम हो गया, अब तुम्हारा काम है बढ़ना। बढ़ो बढ़ो, तो रखते हैं साइड में। चम्मच ले ये लो, इसने हमारा बहुत सहयोग किया है। नीचे की है, यहीं से उठाई थी खिड़की से। अरे चम्मच खोद खोद के टेढ़ी कर दी तूने। माइक तो दे जा। हैं? इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4 ऑलमोस्ट और हल्की हल्की सी बारिश होने लगी है और ये जो पेड़ अभी हमने रिसेंटली लगाया है इसका नाम है पीस लिली। होपफुली ये सही से लग जाए। और बगल में अमरूद पड़ा है हमारे घर का, इस पेड़ का। और जो दूसरा प्लांट हमने लगाया है उसका नाम है एरोहेड। बाकी दोनों ही इंडोर प्लांट्स हैं, हमने आउटडोर लगा दिए हैं। अब देखते हैं सही से हो पाते हैं या नहीं। क्योंकि गमले काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। बाकी मौसम तो बहुत बढ़िया है।